अभी हमारी बबलिंग लेक देख के हो गए और अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है स्ट्रॉबेरी फार्म। आज हम लोग स्ट्रॉबेरी फार्म देखने जा रहे हैं, महाबलेश्वर में नहीं, गोवा में। रास्ते के दोनों तरफ ये सुपारी के पेड़ है। स्ट्रॉबेरी फार्म जाने वाला आगे वाला रास्ता ये बहुत ही नैरो है। अगर सामने से गाड़ी आई तो बाजू में लेनी पड़ेगी उसको साइड देने के लिए। स्ट्रॉबेरी फार्म जाने के रास्ते में अभी हम लोगों को ये नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ चेक पोस्ट पे गाड़ी का नंबर एंटर करना पड़ता है और कितने लोग हैं वो बताने का। कोई चार्जेस नहीं है और यहीं पे एक वाटरफॉल है, मैनापी वाटरफॉल। यहाँ पे अगर आपको जाना है तो पर पर्सन 100 रुपीज़ है और गाड़ी का 100 रुपीज़। पूरा रोड ऐसा ही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है, राइट लेफ्ट करते रहने का। ये पूरी चढ़ाई है और ऑब्वियस भी है क्योंकि स्ट्रॉबेरी अगर कल्टीवेट करना है तो उसके लिए कोल्ड क्लाइमेट ही चाहिए और जितना हम लोग ऊपर जाएंगे उतना क्लाइमेट ठंडा रहेगा। हम लोग अभी स्ट्रॉबेरी फार्म पहुंच चुके हैं और फोंडा से बराबर 70 किलोमीटर की दूरी पे है। एक छोटा सा टी स्टॉल भी इधर है। अटल ग्राम डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से इन लोगों को महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में ये स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के प्रोसेस को सीखने के लिए भेजा गया था, तो वो लोगों ने सीख के आके इन्होंने यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट किया हुआ है। ये वो पूरा फार्म है। ये कच्ची स्ट्रॉबेरीज है और पकने के बाद ऐसे दिखती है, बहुत ही खूबसूरत है। ये स्ट्रॉबेरी बनने से पहले ऐसे फ्लावर्स आते हैं और बाद में ऐसी स्ट्रॉबेरी बनती है। वाह, ये उसके ऊपर प्लास्टिक का रैपिंग किया हुआ है और बीच में उसको होल करके प्लांट्स लगाए हुए हैं ताकि वो ज़मीन का पूरा मॉइस्चर अंदर ही रहे और उसको भरपूर मात्रा में पानी मिले। ये भाई साहब रखवाली करने के लिए यहाँ पे है। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे फूल गोभी भी लगाए हुए हैं। उषा कार्तिकी, मुझे लगता है ये इनकी जातियाँ हैं, उस हिसाब से इन्होंने लगाई। उषा अश्विनी, और ये तरबूज की बेल है, ये अभी छोटे हैं। हम लोगों ने यहाँ से स्ट्रॉबेरी और ये कोकम लिया हुआ है, ये हम लोग गोवन फिश करी बनाते हैं उसके अंदर यूज़ हो जाता है। और स्ट्रॉबेरीज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, खाने वाले का भला। अभी हमारा स्ट्रॉबेरी फार्म देख के हो गया है, अभी यहाँ से निकलते हैं। पर पर्सन 20 रुपीज़ चार्ज लेते हैं लोग, लेकिन अच्छा है। स्ट्रॉबेरीज खा के देखी हम लोगों ने, कुछ मीठी है और कुछ खट्टी है, लेकिन ओवरऑल सब अच्छी है। गोवा का ये स्ट्रॉबेरी फार्म नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। पहाड़ उतरते वक्त राइट साइड में आपको ये वेस्टर्न घाट्स दिखेंगे, यहाँ रह के आप अपनी आई लेवल पे ये पहाड़ देख सकते हैं। पहाड़ उतर के और थोड़ा नीचे आने के बाद हमको राइट साइड में एक ब्रिज दिखा और उसके नीचे से छोटी सी नदी बहती हुई दिखी। हम लोगों ने कुछ वक्त यहाँ पे बिताया और नेचर का पूरा मज़ा ले लिया। यहाँ से आगे कुछ ही दूर दत्त गुफा है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको वहाँ लेके चलेंगे।